आज मैंने बनाया है कतला मछली, वो भी सरसों वाली। नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति, स्वागत है मेरी चैनल ज्योति दास वर्ल्ड में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये कतला मछली। तो कतला मछली को ऑलरेडी मैंने साफ़ करके रख लिए थे। तो अब हम मिक्सिंग जार में टमाटर, अदरक के कुछ टुकड़े और हरा मिर्ची ऐड करेंगे, मतलब तीखा आपको जितना पसंद है उसी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसका हम इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये रखा है सरसों का पेस्ट। तो आप सरसों का पेस्ट ख़रीदा हुआ भी रेडीमेड मिलता है, और मैंने इसमें घर में बनाया है। ये कलौंजी, हल्दी का पाउडर, नमक और चाहिए हमें सरसों का तेल। तो अब देर ना करते हुए सबसे पहले हम मछली में नमक छिड़केंगे और हल्दी का पाउडर। अब इसके बाद अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो तेल मैंने ऑलरेडी बिठा दी थी गर्म होने के लिए। तो अब हम मछलियाँ एक एक करके तेल में डाल देते हैं और मछलियों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। दोस्तों, मछलियों को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मैंने सिर्फ इसे 3 मिनट ही फ्राई किया है, मतलब दोनों साइड हल्की हल्की आँच पे फ्राई करके मैंने इसे निकाल लिया। मछली हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि इसका जब हम सूप बनाएंगे सरसों में डाल के तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे। तो अब हम उसी तेल में डाल देंगे कलौंजी, क्योंकि तेल इतना काफ़ी है इसका बाकी का प्रोसेस करने के लिए। तो इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाए थे उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा टाइम चलाते हुए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का पाउडर और नमक अपने स्वाद के हिसाब से। इसके बाद मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पे रखते हुए हमने मसाला को अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं मसालों से तेल निकलने लगा है, इसका मतलब है आपका मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें सरसों का जो पेस्ट रखे हुए थे उसे ऐड कर देंगे। दोस्तों, सरसों को पेस्ट को ज़्यादा टाइम भूनना नहीं है, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनती। तो मैंने सिर्फ इसे ऐड किया और हल्का सा इसे चलाया, और साथ ही में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और उसके बाद जो मछली हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और जब तक उबाल ना आए तब तक हमें इसे पकाना है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते अच्छे से, और गैस को कर देंगे ऑफ। तो तैयार है सरसों वाली मछली। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।